First of all, we discuss the modern definition of a subject. Subject की modern definition क्या है? Noun और pronoun. Subject की modern definition जानने के लिए हमें noun के बारे में और pronoun के बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहले हम noun के बारे में पढ़ते हैं. Name of a person, place, thing. किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को हम noun कहते हैं. इसके अलावा name of everything दुनिया में जिसकी किसी चीज का कोई नाम है उसको हम noun कहते हैं. एक छोटा सा जरा है वो जरा भी नाम है क्योंकि उसका एक नाम है जिसको पार्टिकल कहते हैं. छोटे से जर्रे का भी कोई नाम होगा तो हम उसको नाउन कहेंगे. प्रोनाउन क्या होता है? दैट्स ऑफ द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, जो एक नाउन की रिपीटेशन को रोकता है, नाउन को दोबारा आने से रोकता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. अब इन दोनों चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है. जब हम इन दोनों चीजों को समझ जाएंगे, इसको समझने के बाद हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन को समझेंगे. नाउन और प्रोनाउन. नाउन या प्रोनाउन दैट समथिंग जिसके मुताबिक इस टू बी सेड कुछ भी कहा जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं. नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक कुछ भी कहा जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं. एग्जांपल से प्रूव करते हैं. अली इज अ गुड बॉय. अली एक अच्छा लड़का है. यहां पे हम अली के मुताबिक बात कर रहे थे तो इसमें अली क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. यहां पे हम बात करते हैं आई लव माय मदर. यहां पे हम आई के मुताबिक बात कर रहे हैं. आई क्या है? एक प्रोनाउन है. जब हम नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक बात करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? सब्जेक्ट बन जाते हैं. इन दोनों को पढ़ने के बाद ही हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर पाते हैं. नाउन की एग्जांपल हमारे पास कोई भी नेम मैंने आपको बताया कि दुनिया में जो छोटे से छोटा जर्रा है उसको भी नाउन कहते हैं. दुनिया में जिसकी किसी चीज का नाम है वो क्या होता है? नाउन होता है. आयशा, लाहौर, मोबाइल, एटीसी, जितनी भी चीजें हैं दुनिया में जिनका कोई नाम है वो क्या है? नाउन है. अब नाउन की रिपीटेशन को जो रोकता है, नाउन को दोबारा आने से जो रोकता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे अली लव हिज मदर. अली अपनी अम्मा से प्यार करता है. अली लव हिज मदर. अली अपना अपनी अम्मा से प्यार करता है. ही इज आदेश. यहाँ पे अली की जगह पे ही इस्तेमाल हुआ, मतलब अली का नाम दोबारा आने से स्टॉप हो गया, उसको रोक दिया गया. इसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे. जब हम नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक कोई भी बात करेंगे तो उसको सब्जेक्ट कहते हैं. ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का